गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखो इंडिया आपके इस एक्सपर्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सपर्ट सेशन में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन इशू ऑन आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन इन पार्ट बी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन में पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 की आंसर की आ चुकी है और छात्रों को अपने अंक या स्कोर भी प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात मालूम हो चुका है कि उन्हें कितना अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मन में आती है वो यह है कि आप पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आज चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं। तो आज हम बात करने जाएंगे कुछ सवालों में। चलिए तो देखते हैं आज के सवाल, क्या ईएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है, यदि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमें क्या फायदा होता है। तीसरा हम बताने जाएंगे, यदि मैं आईटीआई छात्र हूं तो मुझे पार्ट ए में 40 अंक प्राप्त होते हैं तो क्या मैं टेक्निकल या ईएलपी में क्वालिफाई कर पाऊंगा। और यदि मैं पीसीएम छात्र हूं तो मुझे पार्ट ए में यदि 40 अंक प्राप्त होते हैं तो क्या मैं टेक्निकल या ईएलपी के लिए योग्य होगा या नहीं होगा। और आगे हम बात करेंगे एक अन्य प्रश्न की, यदि मैं एक डिग्री या डिप्लोमा का छात्र हूं तो क्या मुझे 40 अंक पर टेक्निकल या ईएलपी की पोस्ट प्राप्त होगी या नहीं होगी। हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे और सभी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हमने बहुत से होमवर्क पर काम किया है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि YouTube पर बहुत अधिक मात्रा में छात्रों को डीमोटिवेट किया जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। देखिए, हम समय समय पर टेलीग्राम और क्रेडअप पर सर्वे करते रहते हैं तो वहां पे छात्रों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सब तो छात्रों द्वारा क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हमें कमल नाम के छात्र ने से एक मैसेज प्राप्त हुआ या मैसेज भेजा गया है। ये कहते हैं कि इन्हें 37 अंक प्राप्त हुए हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में 20 अंक प्राप्त हुए हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होंगे, क्वालिफाइड अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी की स्थिति में जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो अब देखिए, तो ये कहते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में कुछ संभावना होगी। तो देखिए, दूसरे बोल रहे हैं तेजश्री का भी यही कहना है कि उन्हें पार्ट बी में 14 अंक प्राप्त हुए हैं तो क्या कोई चांस होगा। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बुकू जी ने कुछ सवाल पूछे हैं। इन्होंने कहा है, इज देयर एनी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन रेलवे ईएलपी सीबीटी 2 पेपर बी, बिकॉज आई थिंक माई स्कोर इज 24-25 आउट ऑफ 75। और यहाँ पे महेंद्र नंगर भी वही पूछ रहे हैं क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हमारी अन्य स्टूडेंट यह पूछ रही है कि दीक्षा पटेल पूछती है, क्या मैं 60 नंबर अंक प्राप्त किए हैं मैंने ए में और पार्ट बी में 22 अंक प्राप्त किए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से तो क्या मैं क्वालिफाइड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो और देखिए, बहुत से सवाल आपको दिख रहे हैं। प्रवीण सागर ने भी यही पूछा हमसे फिटर ट्रेड से। और देखिए, हमने ग्रेडअप पर और टेलीग्राम पर कुछ सर्वे किए। तो देखिए, हमने पूछा था छात्रों से क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा तो हमें 42% छात्रों ने कहा कि नहीं होगा और 57% छात्रों ने कहा कि होगा। मतलब कि 42% छात्र अभी भी यह समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। देखिए, और चलिए तो अब हम बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं
कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं और आपको हम एक्सपर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए जैसे कि हमने वादा किया था, सबसे पहले आप देख लीजिए आरआरबी का यह है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको हमने पैरा नंबर 6 देख रहे होंगे आप। चलिए तो इसको हम आपको पढ़कर दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज ऑफ एग्जाम, देयर शैल बी टू स्टेज एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड सेकेंड स्टेज सीबीटी, कॉमन फॉर ELP एंड टेक्नीशियन। इन एडिशन कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ELP एंड क्वालिफाइड इन सेकेंड स्टेज सीबीटी हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे बोला गया है इसके बाद कि मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड इन ऑल स्टेट एग्जाम। यहाँ पे बोला गया है नोटिफिकेशन में साहब कि यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और बकायदा किया ही जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो आप नोटिफिकेशन से भी साफ स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और सरासर देखा जाता है कि नोटिस में अगर दिया होता है तो वह किया जाता है, और यदि कोई अगर नोटिस अगर इसे चेंज करना होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन छात्रों को दिया जाता है। तो आप इसके द्वारा भी स्पष्ट समझ गए होंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमें SBC बेंगलोर RRB द्वारा हमें ईमेल प्राप्त हुआ जब हमने उन्हें ईमेल किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया इनके द्वारा। तो यहाँ पे देखिए तो हमने यहाँ पूछा था क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने देखिए हमारे रिप्लाई क्या आया SBC RRB SBC की तरफ से क्या आया कि हम पैरा नंबर 6 को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हमने पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया रेलवे ने, तो हमें रेलवे ने द्वारा बताया गया कि पैरा 6 में स्पष्ट कर दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए आगे देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी का हमें नोट हमें ईमेल प्राप्त हुआ। देखिए तो ये हमारे एक छात्र द्वारा भेजा गया हमें जो RRB मालदा से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने RRB मालदा को मैसेज किया और अर्थात ईमेल की कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उन्हें यह एक ईमेल प्राप्त हुआ तो इसमें साफ मैंडेट कर दिया गया है कि यस नॉर्मलाइजेशन विल बी फॉर पार्ट बी, नॉर्मलाइजेशन विल बी कंसिडर्ड और पार्ट बी आल्सो। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको पता चल जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा मतलब होगा। तो आप बस तैयार हो जाइए आगे के प्रोसेस के लिए, तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो देखिए आपको हमने एक और देखिए और भी देख लेते हैं आप। यदि आप हमने हेल्प डेस्क को मैसेज किया, हमने हेल्प डेस्क की सहायता से यह पूछना चाहा क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो देखिए हेल्प डेस्क ने भी वही कहा कि हम पैरा 6 में स्पष्ट कर चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब कि यहाँ से आपका प्रूव होता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यदि ये आप तो यहाँ से आपको पता चले नॉर्मलाइजेशन होगा, तो यहाँ हम उन यूट्यूब चैनल को कहना चाहते हैं जो डिमोटिवेट हमारे छात्रों को कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा या नहीं होगा, वह देख सकते हैं और इससे स्पष्ट होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। चलिए तो यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन के लिए स्पष्टीकरण आपको दे दिया है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं छात्रों की और उनके जवाब हम बारी बारी से दे देते हैं ताकि छात्रों के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आगे देखिए। हाँ दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता तो लाइक भी करते रहें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करते रहें। चलिए लेते हम पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इमरान खान कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि फिटर वेरी वेरी यहाँ पे डिफिकल्ट बताया गया कि फिटर टेस्ट से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे देखिए तेज श्री घोटक जी ने कहा हमसे पूछा गया है सवाल, क्या पार्ट ए में 33 प्राप्त हुए हैं और पार्ट बी में 3 मार्क्स प्राप्त होते हैं, तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको कंसीडर किया जाएगा। तो हम आप इनको बता सकते हैं कि बिल्कुल होगा आपका, आप नॉर्मलाइजेशन का इंतजार कर सकते हैं। तो आपको पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा। और रही बात आपकी पार्ट ए की बात हुई है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन को वेट करें और हाँ तैयारी जारी रखें। चलिए आगे के सवाल देखें। तो यहाँ पे देखिए हमें कृष्णा जी ने सवाल पूछा गया
क्या नॉर्मलाइजेशन होगा पार्ट बी में, तो हम कृष्णा जी आपको स्पष्ट करते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। आगे आप जारी रखें अपनी स्टडी। यहाँ देखिए हमें प्रवीण सागर जी ने भी एक मैसेज किया है, तो प्रवीण सागर जी से भी हमें एक मैसेज प्राप्त हुआ है और जो कि हमें ग्रेड अप पर मिला, और इन्होंने मैसेज किया ग्रेड अप पर कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और इन्हें देखिए पार्ट ए में 35 मार्क्स प्राप्त होते हैं और पार्ट बी में 20 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो और ये फिटेड रेट के हैं, तो हम इनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन का वेट करें तो आपको पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और आप वेट करें आरआरबी के नेक्स्ट नोटिफिकेशन का जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको फायदा होगा कि नहीं। आप वेट करें, आपकी संभावना बिल्कुल बनेगी। हाँ, टेक्नीशियन में अगर आपका परसेंटेज कम भी रहे कम रहता है तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको एएलपी में चांस जरूर मिलेंगे क्योंकि एएलपी में उनको 8 गुना छात्रों को लेना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कमल ढिंगरा जी ने भेजा है, ढिंगरा जी ने भी यही क्वेश्चन किया है कि 37 पार्ट ए में प्राप्त हुए हैं और 20 मार्क्स पार्ट बी में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर से आरआरबी से बिलोंग करते हैं और इनका भी यही साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन करने का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम इनको भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप आगे की प्रोसेस जारी रखें और पढ़ते रहें, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की तैयारी करें और साइको की भी तैयारी करते जाएं। आपका देखिए टेक्नीशियन में भी आपके चांस होंगे और आपके एएलपी में भी आपके चांस बनेंगे, आप तैयारी जारी रखें और हाँ आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा जरूर मिलेगा। देखिए आगे देखिए प्रवीण सागर जी ने प्रवीण सागर का वही सवाल जिसको हम जवाब दे चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक छात्र द्वारा यही पूछा गया था क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल तैयारी रखें। और यहाँ पे देखिए ये पूछा गया क्या हमको, यहाँ श्रीकांत जी ने पूछा है कि उन्हें यदि 53 मार्क्स प्राप्त होते हैं पार्ट ए में और 32 पार्ट बी में प्राप्त होते हैं तो क्या उनको चांस बनेंगे क्वालिफाई के, तो बिल्कुल बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, आप तैयारी रखें और आप आगे की प्रोसेस करें, आपको हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे संतोष जी ने भी वही क्वेश्चन पूछा क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बिल्कुल होगा संतोष जी, आप तैयारी करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। यहाँ पे देखिए हमें रमेश जी ने भी वही प्रश्न पूछा गया कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो हम रमेश जी से भी अनुरोध करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा सर, आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। चलिए देखिए पूको जी ने भी वही सवाल पूछा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और देखिए एक और छात्र महेंद्र शंकर जी का भी यही सवाल था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो इनको भी हम बताना सर बिल्कुल होगा नॉर्मलाइजेशन, आप पढ़ें और आगे की प्रोसेस जारी रखें। चलिए देखिए यहाँ पे हमें नाम तो पता नहीं, हमें नाम समझ में नहीं आ पाया इनका नाम क्या है, लेकिन हम इनको भी स्पष्ट करने देना चाहते सर, आप बिल्कुल तैयारी रखें और आप तैयार रखें और तैयारी करना जारी रखें, आप तो बिल्कुल डेफिनेटली क्वालिफाइड हो रहे हैं और साफ स्पष्ट हो रहा है कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हुए हैं, तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पे अनिरुद्ध पाउल को हम कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमको 56 नंबर प्राप्त हुए पार्ट ए में और पार्ट बी में 20 है, क्या ये चांस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, और आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी ज्यादा पड़ जाएगा, तो आप बिल्कुल तैयारी रखें और हाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी ओर से। और तो इसी के साथ आज का हमने सेशन में आपको पूरे क्वेश्चन जवाब दिए हैं, तो यहाँ पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा मतलब होगा, यहाँ पे टेक्नीशियन छात्रों को बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा, बहुत अधिक फायदा प्राप्त भी होगा, क्योंकि यहाँ पे करीब 70 से 80% छात्रों को 40 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, जो बहुत अधिक कम मार्क्स हैं, अंडर 40 मार्क्स प्राप्त हुए जो बहुत कम मार्क्स हैं, और अंडर 40 मार्क्स प्राप्त हुए जो बहुत कम हैं, और ये भी हुआ है कि यहाँ पे कई छात्रों को 40 से कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं, कई तो ऐसे हैं जिनको 30 मार्क्स भी प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इनके चांस बनेंगे, आप टेक्नीशियन में आपको भी मौका मिलेगा क्योंकि टेक्नीशियन पोस्ट खाली तो नहीं रह सकती, आर अभी आपको जरूर मौका देगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे और कुछ और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं हम बारी बारी करके क्या और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीक्षा जी को हम बताना चाहते हैं कि दीक्षा जी आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आप आपके नंबर तो बहुत अच्छे रहेंगे, आप बिल्कुल तैयारी रखें दीक्षा जी, आप पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। और यहाँ पे देखिए, हमने आज जो सवाल लिए थे हम बारी बारी करके आपको सवाल देते हैं, क्या एएलपी पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा, यस बिल्कुल राइट होगा। यदि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको, देखिए क्योंकि कुछ अन्य ट्रेडों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और यदि आप में अगर आप आईटीआई के छात्र हैं और आपके 40 या 40 से कम अंक हैं तो आपको टेक्नीशियन के लिए, तो आपको देखिए टेक्नीशियन में आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो आप बिल्कुल तैयारी रखें, आगे की तैयारी रखें। और हाँ, साइको के लिए आपको 40 से 50 के बीच में आपको साइको के लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपको 8 गुना छात्रों को बुलाएगा, रेलवे द्वारा बुलाया जाएगा, तो आप साइको के लिए तो तैयारी भी जारी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरिट प्रभावित करेगी, क्योंकि मेरिट में आपके पार्ट बी के अंक भी जोड़े जाएंगे। देखिए, यदि आप पीसीएम के छात्र हैं और आपको 40 अंक प्राप्त होते हैं तो क्या आपको टेक्निकल या एलपी में फायदा होगा? तो देखिए, हम यहाँ पे बात करें कि हमें टेक्निकल में, तो हम यहाँ पे टेलीग्राम और बात कर रहे हैं, हम टेलीग्राम और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेड का, कि आपको टैली से रिलेटेड पोस्ट और सिग्नल मैन की जो पोस्ट है उसमें, क्योंकि आईटीआई ट्रेड के भी छात्र फॉर्म फिल किया है, इसलिए आपको टेक्नीशियन में तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बट आपको साइको में फायदा मिल सकता है यदि आपको 40 या 40+ अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, या मैं डिग्री और डिप्लोमा का छात्र हूँ तो क्या मुझे, यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे आप पीसीएम छात्रों को केवल टेक्निकल ही पोस्ट मिल पाएगी, एएलपी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे द्वारा मिस्टेक हुई, क्या एएलपी तो वैसे भी नहीं मिलती है, इनको नहीं मिल पाएगी, तो आपको टेक्निकल सिग्नल मैन और टैली के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, वह आपकी कोशिश होना चाहिए कि आपको 47 अंक प्राप्त हो। यहाँ पे देखिए, यदि अब हम उन छात्रों के लिए सवाल देना चाहेंगे, सवाल का आंसर देना चाहेंगे जो डिग्री या डिप्लोमा बीटेक या पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, तो यदि देखिए दो यदि छात्रों, यदि आपको 40 अंक प्राप्त होते हैं तो आपको ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, यदि आपको 45 या 47 प्राप्त होते हैं अंक, तो आप बिल्कुल एएलपी की तैयारी जारी रखें, उनको तो करना जारी रखें, जारी करें। हाँ, सिग्नल में और टैली के लिए, टेलीफोन से रिलेटेड पोस्ट के लिए भी आपको मौका मिल सकता है, यदि आपको 40 या 47 से अधिक मार्क्स होते हैं। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको यह हमारा सेशन बहुत पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सवाल है या हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम और ग्रेड अप पर भी जरूर जुड़े, और हम सभी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि एएलपी साइको के लिए, एनटीपीसी के लिए, नीट के लिए, एसएससी के लिए, सीडीएल के लिए, आपको सभी स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम और ग्रेड अप चैनल पर प्राप्त हो जाते हैं, तो इन्हें फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपके पास कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अफवाह से बचें, किसी भी सूचना के लिए आप हेल्पलाइन से संपर्क करें, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप एकदम एक ही वीडियो को देखकर या एक ही पोस्ट को देखकर विश्वास ना करें। और हाँ, बढ़ते रहें। बस आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप